जिला बिलासपुर के नैना देवी में प्रवासी नेपाली उद्धार समाज का सम्मेलन समारोह संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश इंटक एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस सम्मेलन में इंटक के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मेलन नैना देवी मंदिर के समीप आयोजित किया गया, जिसमें नेपाली समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत करवाया। एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि भारत और नेपाल संधि के अनुसार प्रशासन और सरकार को नेपाली समुदाय के लोगों की प्रवासी लोगों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि कई नेपाली परिवार 300 वर्षों से भारत वर्ष में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वोनाफाइड के अलावा उनके राशन कार्ड भी बनने चाहिए, ताकि ये लोग भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और उन्होंने कहा कि नेपाली प्रवासियों का देश की रक्षा में भी अहम योगदान है और देश की सेना में भी कई नेपाली अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा ऊपरी शिमला और दुर्गम क्षेत्रों में सेब के उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी नेपाली मूल के लोगों का अहम योगदान रहता है। इसलिए प्रशासन को नेपाल हिंदू भारत संधि के अनुसार इन्हें उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करें। इस मौके पर रामपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला इंटक बल बहादुर अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली उदार समाज संयोजक भवीन शेठपाली, उपाध्यक्ष दीपक, महासचिव भूपेंद्र, सीमा, रेशम बहादुर, श्याम बहादुर मौजूद रहे। विश्व स्तरीय एंड्यूरामैन त्रिथलोन प्रतियोगिता में बिलासपुर के नोआ गांव संबंधित मयंक बैद ने 144 किलोमीटर दौड़, 33.8 किलोमीटर तैराकी व 289.7 किलोमीटर साइकिलिंग करके विश्व में सबसे कम समय में ऐसा करने वाले ट्राई एथलीट बनने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले भी मयंक बैद अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलियन व सहारा मरुस्थल कच्छ के रण गुजरात में भी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता जीत चुके हैं। एंड्यूरामैन त्रिथलोन की इस बार की खास बात ये है कि ये ट्राई एथलीट उन्होंने अकेले ही जीती है। इससे पूर्व इन्होंने इस ट्राई एथलीट को रिले दौड़, तैराकी व साइकिलिंग में एक साथी के साथ जीती थी। वैसे तो मयंक बैद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक बड़े ओहदे पर प्रोफेशनल के तौर पर कार्य करते हैं। इनका कार्य क्षेत्र भी दक्षिणी पूर्व एशिया व पश्चिमी यूरोप है। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी मयंक बैद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहसिक खेलों में अपने नाम व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के नाम का डंका बजाया है। इंदौरा विधानसभा के गांव उलैडिया में शिव शक्ति क्लब द्वारा 4 दिवसीय प्रो डे एंड नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का देर रात समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर इंदौरा क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति तेजपाल कटोच ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ उलैडिया पंचायत के प्रधान शमशेर सिंह, उप प्रधान परमजीत सिंह, पंडोरी के पंचायत प्रधान गोपाल ठाकुर, लंबरदार हैप्पी, ओबीसी मोर्चा इंदौरा के अध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर पाल और पाली और दर्शन मनहास आदि भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिव शक्ति क्लब उलैडिया द्वारा आयोजित इस कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल और पंजाब से 50 के लगभग कबड्डी टीमों ने भाग लिया। पंजाब के तरन तारण, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब और दसवा से आई टीमों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। फाइनल मैच का मुकाबला तरन तारण और अमृतसर की टीमों में खेला गया, जिसमें तरन तारण की टीम ने अमृतसर की टीम को हराकर कबड्डी कप विजेता का खिताब अपने नाम किया। क्लब द्वारा विजेता टीम को 20,000 और उप विजेता टीम को 15,000 इनाम राशि के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तेजपाल द्वारा क्लब को 11,000 रुपए की राशि भेंट की। क्लब के सदस्य मनमोहन शर्मा का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन करवाने का मकसद युवा पीढ़ी को खेलों की ओर प्रेरित करना है, ताकि युवाओं को नशे जैसी कुरीतियों से दूर रखा जा सके। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत फरनोहल के गांव दुगवाड़ी के बाशिंदों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालांकि गांव के लिए 2 सालों से
सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम कछुए की गति से होने के कारण गाँव वासियों में गहरा रोष है। हालांकि कई बार गाँव वासियों ने इस बात पर पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत भी की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिस कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। दुगबाड़ी गांव के बाशिंदों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन को लिखित शिकायत करके जल्द सड़क कार्य को पूरा करने की गुहार लगाई है। साथ ही लोगों ने सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा कछुए की गति से काम करने पर भी रोष जाहिर किया है। अच्छे हिसाब से मिले हैं तो हम अपने गांव की समस्या लेके आए हैं। हम ग्राम पंचायत परनोल गांव दूब से आए हैं। हमारे यहां सड़क की प्रॉब्लम है, जो कि पिछले 2 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन बिल्कुल धीमी गति से। और अभी हालात ऐसे हैं, जो भी कार्य हुआ है वहां पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारे समस्त गाँव वासियों को कहीं आने जाने, स्कूल के बच्चों को उनको लाने छोड़ने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हम इसीलिए आए हैं कि हमारा जो निर्माण का कार्य है जल्द से जल्द शुरू किया जाए और हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। कहेंगे हम फिर आगे इनसे बातचीत करेंगे कि सर जो भी है जल्द से जल्द हमारा करें, ताकि आगे हम भी शहर से मुख्य सड़क से जुड़ सकें। सर ये जो ग्राम पंचायत बाड़ी दो का जो कार्य चल रहा है, ये जो है ये बीच में रुक रहा है और ये टाइम का नहीं हो रहा है, और बच्चे स्कूल आते जाते हैं। इसमें एक दो दुग नाला पड़ता है, दूसरा सुपर नाला है, ये खड्ड है। जब ये खड्ड आती है तो इसका उफान ज़्यादा होता है, तो बच्चों को आने जाने के लिए मुश्किल होती है स्कूल में, और कई बार बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, उनको कंधे के ऊपर उठाकर को जाना पड़ता है मुख्य सड़क के ऊपर। वो बोलने का मतलब जो ठेकेदार आता है जिन्हें काम दिया था वो काम छोड़ कर चला गया,